उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन्स इलाके में 19 जनवरी को पीतल के बर्तन बनाने वाले कारोबारी जुल्फिकार के घर में दिन दहाड़े घुसे बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश लाखों रुपए का सामान लूटकर परिवार को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार से जानकारी लेकर उसके द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को आज उस वक्त कामयाबी मिली जब मुखबिर से पुलिस को पता चला कि जुल्फिकार के घर में लूट की वारदात कराने वाला कोई और नहीं बल्कि जुल्फिकार के साले की पत्नी सभा ने अपने बहनोई साबिर के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चक्कर की मिलक इलाके में पीतल कारोबारी के घर 19 जनवरी को हुई लूट की घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। पुलिस के लिए इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द करने का दबाव था, इसलिए भी था क्योंकि घटनास्थल मुरादाबाद रेंज के आईजी रमेश शर्मा के आवास और कार्यालय से कुछ ही दूरी पर था। मुरादाबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से छानबीन करते हुए इस घटना का खुलासा कर इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी महिला सभा और उसके बहनोई शाबिर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर इस घटना का खुलासा करने के साथ ही इन बदमाशों से लूटा गया सामान और नकदी बरामद कर ली है। ये 19 जनवरी को चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन में दिन दहाड़े एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें वादी ने बताया था कि उनके घर से दिन में ही बदमाश आए थे और उनके साथ लूटपाट करी और उनके जेवर और पैसे ले जाने की बात बताई थी। उस घटना का आज सफल अनावरण किया गया। एसओजी एवं थाना पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं साबिर और इसकी जो इसकी साली थी शमा, इन दोनों ने यह पूरा घटनाक्रम बचा है। इसमें जो वादिनी है हिना, उसकी भाभी लगती है शमा, इन दोनों को पैसों की ज़रूरत थी और इन्होंने पूरा प्लान बनाया कि किस समय हिना का जो पति है जुल्फिकार घर पर नहीं रहता उस समय हम लोग इसके घर में इस तरह की वारदात कर सकते हैं। और इसमें जो घटना में जो साबिर है, इसने अपने 3 अन्य दोस्त करीम, मोहसिन, कमरुद्दीन, जो करीम और मोहसिन रामपुर के रहने वाले हैं, कमरुद्दीन उधम सिंह नगर का है, इन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। और घटना वाले दिन ये जब इसका जुल्फिकार जब घर पे नहीं था, घर में पहुँचे और चाकू के नोक पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में इन सभी को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 कुंडल, पाजेब, लेडीज़ पर्स, चाकू और अन्य चीज़ें इनके पास से बरामद की गई है। इनके पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इन सभी को आज गिरफ्तार। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।